दो राउंड में आपको 45 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आपने उत्तर गलत दिया तो आप राउंड से बाहर हो जाएंगे, आपके पास 2 लाइफ है। इतना मत हंसिए, सही कह रही थी वो, कौन क्या नाम है, कोपल, चार हाथ का बुरा होता है। ठीक, तो 2 लाइफ है, एक 50-50, एक विशेषज्ञ की सलाह। ठीक, आपने उत्तर गलत दिया, आप वहां उत्तर देने के बाद आपको महावीर भगवान की जय बोलनी पड़ेगी। यदि आपने 7वां पड़ाव पूरा कर लिया तो आप आज के धन शिरोमणि कहलाएंगे। ठीक, एक बार और जयकार बोलिया कर दीजिए। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, लाइफलाइन किसी भी क्वेश्चन में ले सकते हैं, खुश हो गए आप सुन के कम से कम। और ध्यान रखें 50-50 लाइफलाइन लेने के बाद क्वाइट नहीं कर सकते आप। हाँ, ले सकते हैं, एक क्वेश्चन में 2 लाइफलाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्रतियोगिता प्रारंभ करें। आपका पहला पड़ाव या पहला राउंड 10 नंबर का क्वेश्चन रहा है आपका। चलिए, मैं 2 बार प्रश्न पढ़ूंगा और 2 बार ऑप्शन। 2 बार ऑप्शन पढ़ने के बाद आपके 45 सेकंड प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, 10 नंबर का प्रश्न ध्यान से सुनना है। ठीक, उत्तर बोलने के बाद महावीर भगवान की जय। आप पर आसन। ठीक, क्षमा किसका आभूषण है, प्रश्न है क्षमा किसका आभूषण है। पहला क्रोधियों का, दूसरा पापियों का, तीसरा वीरों का, चौथा कायरों का। एक बार फिर से ऑप्शन सुन लें, क्रोधियों का, पापियों का, वीरों का, कायरों का, क्षमा किसका आभूषण है। वीरों का, महावीर भगवान की जय। उत्तर सही है, तालियां तो बता रही है कि आपका उत्तर सही है। बोले पंच परमेश्वर भगवान की क्षमा वीरस्य भूषण, मतलब क्षमा वीरों का आभूषण है। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, तो पहला पड़ाव पार करने वाले प्रतियोगी के लिए जोरदार तालियां। पहला मतलब राउंड, पहला राउंड। चलिए, पड़ाव तो एक ही है 2 प्रश्न का, अब आपका दूसरा राउंड का पहला प्रश्न 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 45 सेकंड मिलेंगे और 2 बार मैं प्रश्न बोलूंगा और 2 बार ऑप्शन। ठीक, उत्तर बोलने के बाद महावीर भगवान की जय। मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन है, फिर से सुने, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन है। आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य आदि सागर जी। आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य आदि सागर जी। आपका समय प्रारंभ होता है। आचार्य विद्यासागर जी, महावीर भगवान की जय। आपने तो समय प्रारंभ ही नहीं करने दिया। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तालियां अपने आप बज जाती है, मतलब उत्तर सही है। एक बार इनकी स्माइल, इनकी मुस्कान के लिए भी जोरदार तालियां बजा दी। आपको बांदकपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है, उन्होंने थोड़ी बताया, नीलेश भैया ने, मंदिर। सही बात है, हमें जिनेंद्र भगवान अर्थात मंदिर, ये मंदिर ना कि वो वाला, हाँ जिनेंद्र भगवान की शरण बांदकपुर में सबसे अच्छी लगती है और शांति रहती है, सबसे शांति रहती है। और ये निश्चित की बात है कि बांदकपुर में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है वह बहुत ही अति सहकारी है। आप अपनी परेशानी लेकर आए, भगवान से बोले, जरूर दूर होगी। ठीक, आपका दूसरा पड़ाव पूरा हुआ, मतलब पहला पड़ाव दूसरा राउंड पूरा हुआ। अब आप कम से कम यहाँ से गिफ्ट लेकर तो जाएंगे ही। ठीक, अब आपके पास कोई समय सीमा नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं गहरी सांस में। आपका तीसरे राउंड का पहला प्रश्न 7 नंबर पर्ची यहाँ दे दे। मैं 2 बार प्रश्न बोलूंगा और 2 बार ऑप्शन, आराम से समय इत्मीनान। ठीक, इत्मीनान से उर्दू नहीं आती हमें। ठीक, तत्वार्थ सूत्र जी के रचयिता कौन है, और प्रश्न है तत्वार्थ सूत्र जी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए आचार्य पूज्यपाद महाराज,
ऑप्शन बी आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य कुंदकुंद महाराज, ऑप्शन डी आचार्य उमा स्वामी महाराज। एक बार फिर से सुने, ए पूज्यपाद स्वामी जी, बी नेमिचंद्र स्वामी जी, डी सी कुंदकुंद महाराज, डी उमा स्वामी महाराज। तत्वा सूत्र के रचयिता क्या 50-50 लेना चाहते हैं? चलिए आपकी पहली यहाँ एक टिक कर दें, मतलब पहली लाइफलाइन आपने ले ली 50-50। इसमें मैं दो उत्तर हटा दूंगा, गलत है ये। अब दो में से आपको एक चुनना होगा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी पहला ऑप्शन, आचार्य उमा स्वामी दूसरा ऑप्शन। इन दो में से एक उत्तर है दूसरा ऑप्शन। क्या? उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी। महावीर भगवान जय, बोलना पड़ेगा महावीर भगवान ने भी। उत्तर सही है, बोलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की। तत्व सूत्र जी में 357 सूत्र हैं, ठीक। कल बताया था मैंने आपको, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने यह ग्रंथ लिखा। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, एक्सपर्ट की सलाह। आपने तीन पड़ाव पूरे कर लिए हैं, ठीक। आपको यहाँ प्रतियोगिता में अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सीट ज्यादा गर्म तो नहीं है? हॉट सीट बोलते हैं। ठंडी है? ठंडी है, कल से स्वेटर पहन के आएंगे, ठीक। चौथा राउंड का पहला प्रश्न, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दी। चौथे नंबर का, चौथे राउंड का चौथा नंबर निकला, मतलब चार। क्या लकी है? ठीक। प्रश्न दो बार पढ़ूंगा, ऑप्शन दो बार। समय आपके पास काफी है, आराम से सोचकर बताएं। आपके पास एक लाइफलाइन भी है, गलत उत्तर बताने पर दूसरे राउंड में आ जाएंगे, क्वाइट करने पर तीन रहेंगे, ठीक। पंच परमागम किस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? पंच परमागम किस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? चौथा राउंड, ठीक। ऑप्शन ए आचार्य विद्यानंदी जी, ऑप्शन बी आचार्य निकलंक देव जी, ऑप्शन सी आचार्य गोमटसार जी, नहीं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी, और ऑप्शन डी आचार्य समंतभद्र स्वामी जी। पंच परमागम किस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सुन लें, विद्यानंदी जी, निकलंक देव जी, कुंदकुंद स्वामी जी, समंतभद्र जी। आप विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहते हैं, मतलब दूसरी लाइफलाइन भी लेना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं दादी से, दादी पंच परमागम किस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है विद्यानंदी जी, ऑप्शन है निकलंक देव जी, ऑप्शन है कुंदकुंद स्वामी जी, ऑप्शन है समंतभद्र स्वामी जी। पंच परमागम, माइक ले लें, आप सलाह ले लें। कुंदकुंद स्वामी, एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए, ठीक। पंच परमागम किस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? आपका मतलब उत्तर था कुंदकुंद स्वामी जी। ऑप्शन सही है क्या? उत्तर सही है क्या? ये कुछ तालियां तो बजा रही है, सही है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक। आपने चार राउंड पूरे कर लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उत्तर एकदम सही था, आपकी दोनों लाइफलाइन चली गई हैं। हाँ, दोनों लाइफलाइन चली गई हैं। पांचवा राउंड, इसमें गलत उत्तर दिया, दूसरे पे आ जाएंगे, पॉइंट कर दिया, चार रहेंगे, ठीक। पांचवे राउंड का पहला प्रश्न, आपका चार नंबर बड़ा लग गया। आपका जन्मदिन कब आता है? 20 को। मेरा आता 4 को। 4 को 20 तारीख को आता है, मतलब तो अपन पांचवा राउंड है, 20 को जन्मदिन आता है, तो 5 में 4 का भाग, 5 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो चौथे नंबर का प्रश्न निकला, चलिए आप बड़े लकी हैं। पांचवा राउंड प्रश्न, भगवान राम की मोक्ष स्थली क्या है? मतलब भगवान राम कहाँ से मोक्ष गए? जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना प्रश्न, वैसे वैसे कठिन।
समय है आपके पास, सुनिए। शिखर जी, गिरनार जी, अयोध्या जी, मांगे तुंगी जी। ऑप्शन शिखर जी, गिरनार जी, अयोध्या जी, मांगे तुंगी जी। भगवान राम कहाँ से मोक्ष गए? शिखर जी, गिरनार जी, अयोध्या जी, मांगे तुंगी जी। गलत बताने पर दूसरे में, सही बताने पर छठवे में। शांत बैठना। जिसने भी कुछ शब्द बोले 500 रुपए का कल दान राशि के नाम से रसीद कट जाएगी। नगर, हाँ नगर, बिल्कुल। नहीं बची आपके पास। उत्तर बोले और महावीर भगवान की जय बोले। लग रहा है। आप क्वाइट कर सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, दूसरे में आके चलिए गिफ्ट तो मिलना ही है, लेकिन पांचवे का अलग मिलेगा, चौथे का और दूसरे का अलग मिलेगा। चेक नहीं मिलने वाला आपको 20,000 का। शांत भैया कितने 20,000 का चेक दे देंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेना, 2-3 मिनट बहुत। मांगी तुंगी और अयोध्या में कंफ्यूजन है, लग रहा है मांगी तुंगी जी। हमसे क्यों पूछ रहे, हमें पता नहीं। एनो भगाओ तो पीछे चलो, ए निकलो तुम। अभी तो हम बोल रहे हैं, पकड़ दो भाई। एग्जामिनर जो रहता है ना, वह परीक्षा के समय सबसे बड़ा मोड़ कहलाता है। हाँ, तो वो इतने बड़े मोड़ के हैं, तो हम तो फिर मोड़ के कुछ नहीं आता। चलिए, ज्यादा क्वाइट करना चाहिए। फाइनल में आपका एक ठीक, तो आपने 4 राउंड पूरे किए हैं। जोरदार तालियां एक बार के लिए। अच्छे से जयकारा लेकर यहाँ पर विजय प्राप्त हो जाए, ठीक नहीं? अरे चला नहीं कर लिया, हम पूछेंगे उनसे, जो बताएगा उसको इनाम देंगे, ठीक। अच्छा, अमिताभ बच्चन की तरह खेलें, मतलब इन लोगों को मौका ही ना दें, चलो कोई बात नहीं। तो अरे नहीं, हम नहीं मिलना। भगवान, आपने क्वाइट कर लिया, चौथे राउंड में आप पहुंच गए, लेकिन नहीं चौथे राउंड, ठीक। भगवान राम कहाँ से मोक्ष गए? आपको दो में कंफ्यूजन थी, अयोध्या मांगी तुम्हें। आप किसी एक को गेस करना चाहेंगे? मांगे तुम्हें लोग कर दें। महावीर भगवान की जय बोले। भगवान की जय। तालियां क्या बोल रही है? सही है। बोले भगवान राम की, बोलिए वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान श्री राम की जय। ये कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी से। ये जैन धर्म के अनुसार मोक्ष गए हैं और जिनेंद्र भगवान हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।